क्या हो अगर एक सुपरस्टार की गाड़ी रोक दी जाए और उससे कहा जाए कि आपको रोटी कैसे पचती है। जी हाँ, मेरा नाम है नजरू, आप देख रहे हैं ए रियल न्यूज। राजदीप सिंह धारीवाल नामक एक युवक ने सुपरस्टार अजय देवगन की गाड़ी रोकी और उनसे कहा कि आपको रोटी कैसे पचती है जब आप किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना ही आप किसी ट्वीट में, ना ही किसी चीज में आप किसान आंदोलन के पक्ष में है। इस बात को लेकर नाराजगी जताते हुए उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका। ए पंजाब दे खिलाफ है, रोटी तुहानू रोटी किदा बच दिया, रोटी किदा बच दिया तुहानू, रोटी किदा बच दिया तुहानू, तुसीं पंजाब दे खिलाफ हो, शर्म करो, शर्म 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 करो। मारे आप अजय देवगन आ देख लो, जिहड़े पंजाब दे आ गए पग्गां दस्तारां गईआं दस्तारां दी सत्ते लाड दा गुड़ दा लाड दा इसके तहत मुंबई पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और उन पर तीन धाराएं लगाई, 341, 504 और 506 यानी जान से मारने की धमकी। लेकिन उसमें बताया जाता है कि उन्होंने ऐसा जान से मारने की धमकी कुछ भी नहीं दी थी। लोगों ने इतना गुस्सा फूट चुका है कि वो सेलिब्रिटी की गाड़ी रोक रहे हैं और सेलिब्रिटी की गाड़ी रोककर उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं। जी हाँ, और इस पर किसानों का गुस्सा ज्यादा फूट रहा है, सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। जैसे कि अजय देवगन कायर है, ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अजय देवगन ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, प्रदीप गौतम नाम के एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन सेलिब्रिटी इस चीज को किसान आंदोलन के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, लोगों के कहने के बावजूद भी नहीं बोल रहे हैं। वो ऐसा है कि अगर वो बोलकर किसी भी विवाद में फंसना नहीं चाहते, इस वजह से वो किसी भी एंगल से अपने आप को इस चीज से दूर रखना चाहते हैं। किसानों ने इस गुस्से को समेटा हुआ है, वो इनसे सवाल कर रहे हैं कि आपको रोटी कैसे पचती है, जो खेत में से हम अनाज उगाते हैं उस अनाज से वो रोटी बनती है और वो आपके घर तक पहुंचता है अनाज और तब आप जाकर वो खाना खाते हैं, जब आप किसानों के हक में ही नहीं बोलना चाहते, ये ऐसा बोला गया है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर अपनी राय दें। देखते रहिए ए रियल न्यूज़।